अंडररेटेड एनिमेस हमेशा से अनरिकॉग्नाइज और लेस अप्रिशिएटेड रहते हैं और मेनस्ट्रीम एनिमेस के कारण कोई उन्हें पूछता भी नहीं है। इवन दो मेनस्ट्रीम एनिमेस की तरह ही बहुत ही क्लास और ऑसम रहते हैं, बट स्टिल उन्हें इतना स्पॉटलाइट नहीं मिलता जितने उन्हें मिलना चाहिए एंड दे ट्रूली डिजर्व टू बी रिकॉग्नाइज। तो फिर मैं आज इसी वीडियो में 5 ऐसे एनिमेस लेके आया हूँ जो कि सच में अंडररेटेड है, चाहे तो तुम इन एनिमेस को बिंज वॉच भी कर सकते हो, आई हाईली रिकमेंड। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए बढ़ते सीधा लिस्ट की तरफ। बट नोट, मैंने 5 अंडररेटेड एनिमेस को अलग अलग जॉनरा से पिक किए जिससे कि सिर्फ एक जॉनरा से तुम बोर ना हो और तुम इस वीडियो को अच्छे से इंजॉय कर सको एज मच एज पॉसिबल। वेल इस लिस्ट को एक ऐसे जॉनरा से स्टार्ट करते जो कि सबको पसंद है और उस जॉनरा से कोई बोर भी नहीं होता। वेल मैं बात कर रहा हूँ साइफाई जॉनरा की। बट सिर्फ साइफाई एक एक्सपेक्ट नहीं होता एनिमे में, बल्कि उसके साथ साथ एक क्लास स्टोरी भी होनी चाहिए। देन लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद इनुयाशिकी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे रहेगा साइफाई जॉनरा में से। जहाँ पर इनुयाशिकी इचिरो एक 58 ईयर ओल्ड ऑफिस वर्कर की स्टोरी को देखते हैं, जिसके गिरियाटिक लुक के वजह से लोग हमेशा उसे पैथेटिक ओल्ड मैन समझते हैं और अपने फैमिली को इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी उसकी फैमिली उसके टुवर्ड डिसरिस्पेक्टफुल और उसे हमेशा इग्नोर करती है। और उसकी डॉक्टर से उसे ये भी पता चलता है कि उसे कैंसर भी है, तो उसके पास बहुत ही कम समय बचा रहता है अपने लाइफ में। बट सडनली एक रात एक मिस्टीरियस लाइट की वजह से इचिरो की लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है, जहाँ पर अपने बॉडी में तरह तरह के चेंजेस नोटिस करता है और ये चेंजेस ही होते हैं जो कि इचिरो की लाइफ को पूरा पलट के रख देते हैं। बट रुको जरा, ये चेंजेस सिर्फ इचिरो में ही नहीं होते बल्कि एक और पर्सन होता है इसमें चेंजेस होते हैं और उस पर्सन के वजह से हमें एक से एक प्लॉट ट्विस्ट देखने मिलते हैं विद ए बैंग। वेल इनुयाशिकी में तुम्हें एक जबरदस्त साइफाई, एक क्लास स्टोरी और प्रॉपर एक्शन देखने मिलेगा जो कि तुम्हें हर वक्त एंटरटेन करेगा, वो भी नॉन स्टॉप। वेल हम बढ़ते एक ऐसे जॉनर की तरफ जो कि लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद है और 24/7 वो लोग उसी में रहना पसंद करते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ फैंटेसी जॉनर की। और जब फैंटेसी की बात आती है तब हमें कौन सा अंडररेटेड एनिमे याद आता है? वेल या गॉब्लिन स्लेयर, जिसका हाल ही में सीजन 2 खत्म हुआ, बट इसका सीजन 2 कब आया और कब चला गया हमें पता भी नहीं चला, एंड आई थिंक नोबडी केयर्स। दैट्स व्हाई गॉब्लिन स्लेयर इज हाईली अंडररेटेड, एक ऑसम एनिमे होने के बावजूद भी। जहाँ पर हमारा मेन एमसी गॉब्लिन स्लेयर अपने चाइल्डहुड में एक ट्रॉमेटिक ट्रेजेडी के कारण अपनी लाइफ को पूरा डेडिकेट कर देता है सारे गॉब्लिन्स को पूरी तरह इरेडिकेट करने के लिए, और उन गॉब्लिन्स को कैसे अलग अलग तरीके से मारता है, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच। वेल हम बढ़ते अपने नेक्स्ट जॉनर की तरफ जो कि है सुपर नेचुरल। वे सुपर नेचुरल जॉनर में बहुत ही अलग अलग और यूनिक तरह के एनिमेस है, पर अगर अंडररेटेड एनिमे चूज करना हो एंड इट्स डेफिनेटली इरेज। जहाँ पर हमारा एमसी सातोरु फुजीनिवा एक स्ट्रगलिंग मांगा का रहता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बिकॉज ऑफ फियर। मतलब तुम समझ सकते हो कि वो अपने से ही बंदा है जो कि एक इंट्रोवर्ट है, और इंट्रोवर्ट होने के बावजूद भी उसके पास एक सुपरनेचुरल एबिलिटी रहती है जिससे कि वो टाइम में पीछे जा सकता है, जिससे कि वो कैटास्ट्रोफिक इंसिडेंट स्टॉप कर सके और मल्टीपल डेथ प्रिवेंट कर सके। पर उसकी यही सुपरनेचुरल एबिलिटी उसकी लाइफ में कैसे अप्स एंड डाउन्स लाती है, दैट इज रियली फन टू वॉच। मतलब यही अप्स एंड डाउन्स होते हैं जो कि तुम्हें हमेशा अपने एज ऑफ द सीट रखते हैं और ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वेल इरेज एक ऐसा एनिमे है जो कि बहुत ही कम लोगों ने देखा है, बट जिन जिन लोगों ने इस एनिमे को देखा है उन्होंने इस एनिमे के रिलेटेड वाहवाही की है, स्पेशली इसके एंडिंग को लेकर जो कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है और लोग अभी भी डिबेट करते हैं इट्स एंडिंग गुड और नॉट। और मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम मुझे इस एनिमे को देखकर कमेंट सेक्शन में बताओ कि इट्स एंडिंग गुड और नॉट। वरना वो बढ़ते हमारे सबसे फेवरेट और फेमस जॉनर की तरफ, और वो है शोनन एनिमेस। वे शोनन जॉनर में बहुत से पॉपुलर एनिमेस भी है, बहुत से घटिया एनिमेस भी है, और साथ ही साथ में बहुत से अंडररेटेड एनिमेस भी है। और उन्हीं अंडररेटेड एनिमेस में से मैंने एक ऐसे एनिमे को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है जिसको एक फेमस एनिमे का रिप ऑफ कहा जाता है और एनिमे कम्युनिटी में बहुत ही ट्रोल किया जाता है बिकॉज ऑफ दैट। और मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन ब्लैक क्लोवर की, जिसका हाल ही में हमें एक जबरदस्त डाउनफॉल देखने मिला बिकॉज ऑफ मांगा का पुअर हेल्थ कंडीशन, और ये एनिमे कई गुमसाई होके रह गया है। बट ये एनिमे सडनली वैनिश होने के बावजूद भी इसकी स्टोरी बहुत ही क्लास थी, जहाँ पर हमारा आस्था जो कि मैजिक लेस रहता है मैजिकल वर्ल्ड में, वो अपने इंटेंस ट्रेनिंग और शेयर विल से उन सारे हर्डल को पार करता है जिससे कि वो विजर्ड किंग बन सके। कि लगी ना इस हमारी थोड़ी बहुत नारुडू की तरह, बट जो इस सीरीज को नारुडू के साथ कंपेयर किया जाता था दैट वॉज ट्रूली पॉइंटलेस, क्योंकि ब्लैक क्लोवर में इतना पोटेंशियल था कि वो वन ऑफ द बेस्ट ऑनगोइंग एनिमे बन सके इस न्यू जेन का, एंड प्रीटी मच आस्था ही था जो कि नारुडू के लेगेसी को पूरी तरह कैरी ऑन कर रहा था।
Now let's move on to the last genre of this list और वो है historical. Well historical genre सबसे best genre रहेगा सारे genres में से, क्योंकि उस genre में हमें एक से एक story देखने मिलते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा entertain करते हैं. और इसी historical genre में एक ऐसा anime है जो कि popular होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा underrated भी है. Well मैं बात कर रहा हूँ none other than Vinland Saga की, जो कि मेरे सबसे ज़्यादा underrated anime रहेगा इस पूरे list में से, क्योंकि रिकॉग्निशन मिलने के बावजूद भी nobody cares about this anime and that makes Vinland Saga more underrated. जहाँ पर हम थॉरफिन को देखते हैं जो कि वाइकिंग के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर का बेटा होता है, जो कि अपने पूरे चाइल्डहुड को बैटल फील्ड में गुजारता है अपने स्किल्स को एनहांस करते हुए, जिससे कि अपने फादर के मर्डर का बदला ले सके. बट रिवेंज की जगह वो एक ऐसे जर्नी पर निकलता है जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी. और उसकी उसी जर्नी से हमें ये भी पता चलता है We don't have any enemies. So guys, ये रहे मेरे तरफ से top 5 underrated animes. I highly recommend you to watch them. क्योंकि इन सारे underrated animes की story बहुत ही class और awesome है. And they might be better than mainstream animes. So guys, that's it for today's video. अगर तुम्हें मेरे video पसंद आए, तो video को like, share, comment जरूर कर देना. और channel पे नए हो, तो subscribe करना बिल्कुल मत भूलना. और इन सारे underrated animes को देखकर मुझे comment section में बताना कि तुम्हें कैसे लगे. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ एंड सायोनारा.